दोस्तों ब्लड शुगर ऐसी बीमारी है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को अपने गिरफ्त में लेती जा रही है। आज मैं आपके साथ बिना एलोपैथी दवा लिए आयुर्वेदिक तरीके से ही हमारी शुगर कंट्रोल में रहे वो औषधि शेयर करूंगी। ये दारू हल्दी का कांटेदार झाड़ी नुमा वृक्ष होता है जो हिमालय पर पाया जाता है, लेकिन इसकी छाल आसानी से हमें किराना स्टोर पर मिल जाती है। इसे दारू हरिद्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसी से हम आज औषधि बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ ये मैंने दारू हल्दी ली है। मैं आपको जो हम खाने में हल्दी यूज करते हैं वो भी दिखाई देती हूँ। देखिए वो इस तरह की होती है जो पाउडर के रूप में हम यूज करते हैं, और जो ये प्लेट में रखी है ये दारू हल्दी है। दोनों हल्दी अलग हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इसे लेने से डायबिटीज जड़ से ख़त्म हो जाती है, लेकिन शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। एलोपैथी दवाई लेने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। फ्रेंड्स, जो मेरे पेरेंट्स हैं वो भी डायबिटिक पेशेंट हैं। 2 साल से इस औषधि का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें एलोपैथिक दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इस औषधि को हमें मिट्टी के बर्तन में ही बनाना है, तभी इसका हमें पूरा फायदा मिलेगा। हमें धातु का बर्तन इस्तेमाल नहीं करना। इस तरह का जो हम वही करवा चौथ पर करवा लाते हैं वो भी ले सकते हैं। इस मिट्टी की हांडी को मैंने लोकल मार्केट से 30 रुपये का परचेज किया है। दोस्तों, जब भी हम कोई मिट्टी का बर्तन मार्केट से खरीद कर लाते हैं तो चाहे हम उसमें खाना बनाएं या औषधि बनाएं, उसे पानी में भिगोकर रखना बहुत ज़रूरी है, तभी उस मिट्टी के बर्तन की सेल्फ लाइफ अच्छी रहती है। तो यहाँ मैंने क्या किया है, इस हांडी को अच्छी तरह से पानी में डुबोकर कम से कम 10 से 12 घंटे के लिए छोड़ दिया है। और जो इसके छोटे छोटे रोम छिद्र हैं उनमें से देखिए कितनी बढ़िया हमें आवाज़ सुनाई दे रही है। दस से बारह घंटे बाद हांडी को सुखा कर ले लिया है। अब औषधि बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए ये दारू हल्दी के टुकड़े हैं, हम एक व्यक्ति के लिए खुराक बना रहे हैं, तो 2 से 3 टुकड़े ये हम हांडी में डाल लेंगे। और आधा गिलास हमें पानी डालना है, तो ये एक व्यक्ति की खुराक बनेगी। अगर आप 2 डायबिटिक पेशेंट के लिए बना रही हैं तो 5 टुकड़े ये दारू हल्दी के डाल दें और 1 गिलास पानी डाल दें। अब इसे ढककर ऐसे ही हम ओवरनाइट छोड़ देंगे। अगले दिन हम देख रहे हैं तो इसका कलर पानी का देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया है, येलो सा हो गया है। ये हमें खाली पेट पीना है, सुबह सुबह कुछ भी नहीं खाना है, सबसे पहले ये हमें पानी पीना है। पीने से पहले इसे छान लेंगे। तो यहाँ ये मैंने एक कांच का गिलास लिया है, इसके ऊपर छलनी रखेंगे। अब ये हांडी वाला पानी हम छलनी में डालेंगे। जो दारू हल्दी के ये टुकड़े हैं ये छलनी में ऊपर रह जाएंगे। दोस्तों, इस औषधि का इस्तेमाल आप ज़रूर करके देखें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और इसका नुकसान तो कुछ भी नहीं है, ये तो आयुर्वेदिक दवाई है। अब जो ये हल्दी के टुकड़े हैं इन्हें हमने फिर से हांडी में डाल दिया है। इन टुकड़ों से हम नेक्स्ट डे के लिए भी औषधि बना लेंगे। दारू हल्दी के इन 2-3 टुकड़ों से ही 2 दिन हम औषधि बना सकते हैं, क्योंकि इसका सारा अर्क 2 दिन में ही निकल पाता है। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे प्रेस कीजिए। प्लीज़ इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए ज़रूर शेयर करें, जिससे जिसको भी डायबिटीज हो उन्हें इसका पूरा फ़ायदा मिल सके। और हाँ, मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही हैं। आप चैनल पर नए हैं और अभी तक मोर टेस्टी फूड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें प्लीज़, और पास में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना ना भूलें, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।